गांव लागत ग्राम पंचायत मैथी से बोल रहा हूँ। हमारा मकान 23 अगस्त 2023 को स्लाइड हुआ है, भारी बारिश के कारण स्लाइड पूरा मकान डैमेज है और प्रशासन की ओर से हमें कोई भी राहत फौरी राहत नहीं मिली है, सिर्फ 1500 रुपये मिला है। ना तो कोई प्रशासन कर रहा है कोई कुछ, ना कोई दे रहा है। और प्रशासन और हम एक टीन के ढारे में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे बच्चों को और हमारे माँ बाप को बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत गर्मी से परेशान है हम लोग। कहाँ जाए, कोई रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, ना तो कोई प्रशासन हमें कुछ राहत दे रहा है, ना कोई इधर उधर से कोई कुछ कर रहा है। हम तो पूरे बीच में फंसे हुए, हम कहाँ जाए। सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सरकार से ये मांग चाहते हैं कि हमारे हमारे को पूरा मुआवजा मिले और हमारे घर बार दे। प्रशासन मौके पे जाए और वहाँ देखे कि नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि प्रशासन भी इसमें जागरूक हो जाए। मेरा नाम मीना देवी है, मैं ग्राम पंचायत महती की स्थायी निवासी हूँ। मेरा मकान जो है 24/8/2023 को जो भारी बरसात के कारण जो है स्लाइड हुआ है और जो हमारे घर की जगह है वो पूरी स्लाइड हो चुकी है। इसलिए जो है हम सरकार के पास मांग करना चाहते हैं कि जो हमें जो आज तक कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाया है, इसलिए हम उनसे मांग करते हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए। हमें जो है फौरी राहत के तौर पर कोई भी मदद नहीं मिली है, सिर्फ हमें 1500 रुपया और एक तिरपाल दिया गया है जिसमें जिससे हम जो है टीन के ढारे में रह रहे हैं और गर्मी के कारण जो है हमारा बुरा हाल है। हमारे जो है मेरे ससुर जी है वो एक अपाहिज हो चुके हैं और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें जो बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि हमें पूरा मुआवजा दिया जाए और घर मकान बनाने के लिए भी थोड़ी सी जगह का प्रबंध किया जाए। और मैं यहाँ पर आई थी डीसी साहब से मिले और उन्होंने कहा कि हम एसडीएम साहब को जो है वहाँ मतलब जो है कागजात वगैरह देंगे और उन्होंने कहा है कि मेरा उनसे आग्रह है कि वो जो वहाँ पर जाए हमारे घर के पास जाए और वहाँ का पूरा एरिया देखे कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल.केसरी।